So the topic which we are going to discuss today is discipline and its perspectives, शास्त्र एवं इनके परिप्रेक्ष्य। अगर हम पिछले दोनों अपने डिस्कशंस रिकॉल करें एक बार, तो जहां हमने डिसिप्लिन को डिफाइन करने की कोशिश की थी, आप लोग थोड़ा सा याद करिए, वहां एक बहुत फेमस डेफिनेशन मैंने कोट की थी, दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय जॉन वॉल्टन। और जॉन वॉल्टन ने अपनी परिभाषा में, अपनी डेफिनेशन में कहा था, बाय डिसिप्लिन आई मीन अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड थियरीज सो ऑर्डर्ड दैट इट कैन बी डिलीबरेटली एंड सिस्टमैटिकली टॉट। अर्थात विषय वस्तु का एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी संरचना जिसमें संप्रत्यय होते हैं, तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और वो इस प्रकार उनको जानबूझकर एक क्रम में निर्धारित किया जाता है जिससे क्रमबद्धता के साथ उनको पढ़ाया जा सके, so that it can be deliberately and systematically taught. So when we arrange different concepts, facts and theories related to a particular subject matter, it frames discipline according to John Walton. Now recall one more definition, and that definition was given by Professor Yadav and T.K.S. Lakshmi in 1995. And according to their definition, discipline refers to a specific area of study, a branch of knowledge recognized by certain distinctness it reveals in its substance and methodology. तो यादव और लक्ष्मी की जो परिभाषा थी उसके हिसाब से शास्त्र हम एक ऐसे विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं, ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसकी विषय वस्तु और जिसकी विधि दोनों में कुछ डिस्टिंक्टनेस हो, कुछ विशिष्टता हो। तो जो अपनी विषय वस्तु और विधियों में विशिष्टता लिए ज्ञान की एक शाखा होती है, किसी एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन होता है, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं डिसिप्लिन की मैंने आज पुनः यहां पर इसलिए रखी क्योंकि उससे आपको आसानी होगी आज की विषय वस्तु को जोड़ने में। अगर ये डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, विषय वस्तु विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं? अब हम थोड़ा सा डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने बेसिकली बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज को, दैट इट इज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आर मोर देन ब्रॉड नॉलेज ऑफ अ फील्ड, रादर इट इज The sort of knowledge that is specific to the discipline or profession. उन्होंने कहा कि जब हम किसी शास्त्र विशिष्ट ज्ञान की बात करते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं, तो ये केवल उस क्षेत्र में आने वाले विशिष्ट ज्ञान को संपूर्णता के साथ समाहित नहीं करता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उसकी एक समझ है जो उस डिसिप्लिन या उस प्रोफेशन, उस वृत्त या उस शास्त्र के प्रति स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। तो वो जो एक शास्त्र से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान है, जैसे विज्ञान से जुड़ा कुछ ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, वो आप गणित में पढ़ेंगे नहीं तो मिलेगा, आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, आप कला में पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, आप भाषा में पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में कुछ ऐसा विशिष्ट ज्ञान है जो विज्ञान में नहीं मिलेगा, जो कला में नहीं मिलेगा। ऐसे ही भाषा में कुछ ऐसी विशिष्टता है जो विज्ञान पढ़ते समय नहीं सीख सकते, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय नहीं सीख सके। अर्थात प्रत्येक डिसिप्लिन की अपनी एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, एक विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र होता है, उसी को कोहलर ने कहा कि वह डिसिप्लिन की पहचान होती है। और यह होता कैसे है? यह डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज जनरेट होती है on the basis of aims and objectives of studying the specific discipline. किसी विशिष्ट शास्त्र को अध्ययन करने या पढ़ने के जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर discipline specific knowledge generate होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की अपनी discipline specific knowledge होती है, क्योंकि विज्ञान के अपने उद्देश्य हैं, विज्ञान के अपने लक्ष्य हैं, सामाजिक विज्ञान के अपने उद्देश्य हैं,
अपने लक्ष्य हैं। तो इसलिए जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज है वो विषयों के उद्देश्यों और लक्ष्यों से जनरेट होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति भिन्न है। क्या विज्ञान की जो प्रकृति है वो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति हो सकती है? विज्ञान की प्रकृति में आप क्या देखते हैं? वहां पर इंक्वायरी को जोर दिया गया है, वहां पर वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर है। बट जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में जब हम उसके डिसिप्लिन के नेचर की बात करते हैं तो सोशल साइंस के नेचर में हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी भी चीज को। तो देखने का नजरिया अलग होता है, प्रत्येक डिसिप्लिन की अपनी प्रकृति, उसका नेचर भिन्न होता है। इसीलिए किस डिसिप्लिन में कौन सी नॉलेज आएगी ये उसके नेचर या उसकी प्रकृति से निर्धारित होता है। हर एक डिसिप्लिन में जो प्रोसेसेस हैं नॉलेज एक्विजिशन के, ज्ञान अर्जन के जो तरीके हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वे समान नहीं होती। मैं यहां पर फिर उदाहरण लूंगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। विज्ञान में हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन, बाय वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, बाय इंक्वायरी, बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दीज आर द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन साइंस। व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन सोशल साइंस? सोशल सर्वे, डिस्कशन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, ऑल दीज थिंग्स। द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन साइंस एंड द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन सोशल साइंस आर डिफरेंट। सो द डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग नॉलेज। Another thing that every discipline, each discipline has a way of looking at the world that influences how research and teaching within that discipline are pursued. To understand this, प्रत्येक शास्त्र का दुनिया को देखने का नजरिया भिन्न होता है, और वास्तव में यह उस शास्त्र का, उस डिसिप्लिन का नजरिया ही होता है जो ये निर्धारित करता है कि उस डिसिप्लिन में रिसर्च और टीचिंग कैसे होगी। विज्ञान दुनिया को कैसे देखता है, सामाजिक विज्ञान दुनिया को कैसे देखता है, एक साहित्यकार दुनिया को कैसे देखता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं जो हम लोग अक्सर क्लासरूम में यूज करते हैं। एक कमरे में कुछ मित्र बैठे हैं और बाहर एक बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश अचानक से होने लगी, बहुत अच्छा मौसम था, धूप खिली हुई थी, वो बारिश का मौसम भी नहीं था, और फिर वहां अचानक से बारिश होने लगी। वो जो मित्र हैं उनमें एक वैज्ञानिक है, एक साहित्यकार है, एक किसान है, एक सामाजिक विज्ञानी है। तो वो बारिश को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। वैज्ञानिक देखता है कि वे कौन से कारण रहे होंगे जिस कारण इस समय बारिश होने लगी। क्या हवा के दबाव में कोई परिवर्तन आया, क्या कोई कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ, इससे किसान सोचेगा मेरी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह मेरी फसल के लिए अच्छा है नहीं है। सामाजिक विज्ञानी अगर ज्योग्राफी वाला है तो वो अलग डायरेक्शन में सोचेगा, अगर वो समाजशास्त्री है तो वो अर्थ अलग डायरेक्शन में सोचेगा, अगर वो अर्थशास्त्री है तो वो देखने लगेगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इस असमय बरसात का क्या परिणाम होगा, क्या इससे देश को नुकसान होगा कि लाभ होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। और कवि सोचेगा कि इस बारिश की बूंदें जब बाहर खड़े पेड़ के पत्तों से धीरे धीरे टप टप करके गिर रही हैं तो उसकी मधुर सौंदर्य और संगीत में वो काव्य की रचना कर देगा। इसका मतलब है कि दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को देखने का तरीका हर डिसिप्लिन का अपना अलग होता है। हर एक डिसिप्लिन उन घटनाओं को अपने तरीके से देखता है, और इसीलिए हर डिसिप्लिन की अपनी स्पेसिफिक नॉलेज जनरेट होती है। जब हम किसी डिसिप्लिन के की फीचर्स की बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हर डिसिप्लिन यह आइडेंटिफाई करता है कि उसे किन वस्तुओं का अध्ययन करना है। जैसे साइंस की बात करें, साइंस मटेरियल मटेरियल साइंस मटेरियल थिंग्स की स्टडी करता है, या साइंस लाइफ की स्टडी करता है, जियोलॉजी बॉटनी लाइफ की स्टडी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंसेस है उनकी स्टडी करते हैं, सोशल साइंसेस समाज की, सामाजिक संबंधों की, समाज में लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों की, सामाजिक संरचना की, राजनीति की, अर्थशास्त्र की, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो हर डिसिप्लिन किस चीज का अध्ययन करेगा, ऐसी कुछ निश्चित चीजें होती हैं
कुछ ऐसी सर्टेन थिंग्स होती हैं जो डिसिप्लिन्स आइडेंटिफाई करते हैं। और यदि आप किसी भी डिसिप्लिन की नॉलेज को देखें, चाहे आप विज्ञान की नॉलेज में को देखें, चाहे आप सोशल साइंस में नॉलेज को देखें, चाहे आप लिटरेचर में नॉलेज को देखें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में नॉलेज को देखें, लैंग्वेजेज में नॉलेज को देखें, सबके अपने सिद्धांत होते हैं। भाषा के अपने सिद्धांत हैं, अपनी थियरीज हैं, भाषा का विकास कैसे होता है, कौन सी भाषा पहले पढ़ाई जानी चाहिए, व्याकरण के क्या नियम होते हैं, भाषाओं के कुछ सिद्धांत हैं जो आपको विज्ञान में नहीं मिलेंगे, लेकिन विज्ञान में यदि आप आएंगे तो न्यूटन के गति के नियम मिलेंगे, आर्कमिडीज का सिद्धांत मिलेगा, गणित में आप जाएंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय मिलेगी, बहुत सारे अपने जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम मिलेंगे, बोडवासन रूल मिलेगा, उनकी अपनी थियरीज हैं। सोशल साइंस की अपनी थियरीज हैं जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने दी है। तो डिसिप्लिन न केवल अपनी चीजों को तय करता है कि हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, वरन हर डिसिप्लिन में, हर डिसिप्लिनरी नॉलेज में कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों के इर्द गिर्द उस डिसिप्लिन की रूपरेखा निर्मित की जाती है। और हर डिसिप्लिन के नॉलेज को ट्रांजेक्ट करने के लिए, ज्ञान को प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं। यदि भी विधि किसी डिसिप्लिन की मोहताज नहीं होती, एक डिसिप्लिन में एक विधि प्रयोग हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो विधि अन्य डिसिप्लिन में प्रयोग नहीं हो सकती, परंतु यदि आप डिसिप्लिनरी नॉलेज और उसके ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर डिसिप्लिन के अपने तरीके हैं। जैसे साइंस में हम ऑब्जर्वेशन से, हम एक्सपेरिमेंटेशन से नॉलेज को ट्रांजेक्ट करते हैं, सोशल साइंसेस में हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, सर्वे ऑफ लिटरेचर के आधार पर, खोजों के आधार पर, कथनों के आधार पर, कहानियों के आधार पर, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ज्ञान का ट्रांजेक्शन करते हैं। मैथमेटिक्स में हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को प्रेफर करते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन से मोस्टली हम मैथमेटिक्स में नॉलेज का ट्रांजेक्शन करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडक्शन डिडक्शन मैथमेटिक्स में यूज नहीं हो सकता या स्टोरी टेलिंग साइंस में यूज नहीं हो सकती, यूज हो सकती है, लेकिन फिर भी हर डिसिप्लिन के अपनी कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं। तो हर डिसिप्लिन के अपने विषय क्षेत्र होते हैं, हर डिसिप्लिन के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, हर डिसिप्लिन की अपनी कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं जिनके प्रयोग से ज्ञान को स्थानांतरित, अंतरण ज्ञान का किया जाता है, ट्रांजेक्शन ऑफ नॉलेज होती है। और हर डिसिप्लिन के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसकी प्रकृति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं कि यदि हमें जल को परिभाषित करना है, इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन वॉटर, देन वेन वी डिफाइन वॉटर इन साइंस, वी विल डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, दैट वॉटर इज अ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 3 atoms, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 molecule ऑफ वॉटर, दैट इज H2O। परंतु क्या सामाजिक विज्ञान में यह परिभाषा काम करेगी? क्या साहित्य में यह परिभाषा काम करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब कि जब हम किसी भी डिसिप्लिन के की कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं तो उस डिसिप्लिन की प्रकृति जो है वह डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने में मदद करती है। दूसरी चीज है कि हर एक डिसिप्लिन का अपना एक ऑन्टोलॉजिकल स्टैंस होता है नेचर ऑफ रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, वास्तविकता की प्रकृति को समझने और व्याख्यायित करने के लिए हर डिसिप्लिन का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक ऑन्टोलॉजिकल स्टैंस जिसको हम कहते हैं, एक तरह से दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जिसको हम कह सकते हैं, वह होता है। जैसे जीवन, व्हाट इज लाइफ, लाइफ को यदि साइंस देखेगा तो अलग तरह से देखता है। साइंस के लिए लाइफ क्या है? जहां लिविंग बीइंग्स में कुछ लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनमें श्वास प्रश्वास हो रही हो, उनमें प्रजनन की क्षमता हो, उनमें अपने जैसे, तो ऐसे लोग जीवित कहे जाते हैं, अदरवाइज जिसमें ये सब नहीं होता वो मृत हो जाता। बट समाज में जीवन का क्या महत्व है? यदि धर्मशास्त्र जीवन का अध्ययन करेगा तो कैसे करेगा? यदि दर्शन जीवन का अध्ययन करेगा तो कैसे करेगा? अर्थात एक ही संप्रत्यय को
अध्ययन करने के लिए हर डिसिप्लिन के अपने ओंटोलॉजिकल स्टांसेस होते हैं, एंड नॉट ओनली दे हैव देयर ओन ओंटोलॉजिकल स्टांसेस, दे हैव देयर ओन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस ऑल्सो रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि मनुष्य इन सिद्धांतों को कैसे समझेगा। समाज में कोई घटना है, प्रकृति में कुछ घट रहा है, ये मनुष्य विद्यार्थी कैसे समझेगा। तो इसको समझाने की जो तरीके हैं, उन तक ज्ञान अंतरण के जो तरीके हैं, शिक्षण अधिगम की जो विधियां हैं, अर्थात जो शिक्षण शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस है, वह भी हर डिसिप्लिन का भिन्न होता है। विज्ञान उसी चीज को समझाने के लिए अलग रास्ता अपनाएगा, सामाजिक विज्ञान उसी घटना को समझाने के लिए अलग रास्ता अपनाएगा, साहित्य के लोग उसी घटना को समझाने के लिए अलग रास्ता अपनाएंगे। मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया, बारिश वाला, ठीक। तो हर डिसिप्लिन के अपने ऑन्टोलॉजिकल स्टांसेस होते हैं, हर डिसिप्लिन के अपने स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस होते हैं, और हर डिसिप्लिन के साथ कुछ इथिक्स, कुछ आइडियोलॉजी और कुछ एस्थेटिक प्रैक्टिसेस जुड़ी होती हैं। अक्सर विज्ञान को लेकर लोगों को भ्रम हो जाता है कि विज्ञान में एस्थेटिक्स नहीं होती। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भारत में हुए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, और उन्होंने एक जगह उन्होंने किताब लिखी है, द ब्यूटी एंड साइंस। मैं अभी देख रहा था द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो साइंस के एस्थेटिक डायमेंशंस को एक्सप्लेन और एक्सपीरियंस करती है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनकी जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं, उनमें भी एस्थेटिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सामाजिक विज्ञान के अपने अपने एथिकल और आइडियोलॉजिकल स्टांसेस हैं, दर्शन शास्त्र के अपने आइडियोलॉजिकल और एथिकल स्टांसेस हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। आप देखिए दर्शन शास्त्र में भी जो दृढ़ दर्शन दार्शनिक होते हैं, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा समझौता नहीं करते, वे अपने नियमों और उनके आधार पर ही चलते हैं। लेकिन कुछ परंपरावादी होते हैं जो समय, परिस्थिति और काल के अनुसार स्वयं को बदल लेना चाहते हैं, जिसे विज्ञान बहुत स्टैटिक नहीं है, विज्ञान बहुत डायनेमिक है, जबकि दर्शन बहुत स्थायी है, दर्शन में डायनेमिज्म कम है। दर्शन में तो डायनेमिज्म है, फिलॉसफी में डायनेमिज्म नहीं है। वैसे हम कहते हैं ना आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये जो जिसके जाने के बाद बाद होते हैं, उन बादों में डायनेमिज्म नहीं होती। लेकिन दर्शन हम कहते हैं भारतीय परंपरा में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो वहां डायनेमिज्म होती है। इसका मतलब हर डिसिप्लिन के अपने आइडियोलॉजिकल, एस्थेटिक और इथिकल स्टांसेस भी होते हैं। देन एवरी डिसिप्लिन यू कैन आइडेंटिफाई विद सम मेजर थिंकर्स और फॉलोअर्स। आप कोई भी डिसिप्लिन उठाकर देख लीजिए, यदि मैं आपसे कहूं विज्ञान, आपके दिमाग में कौन आता है? आइंस्टीन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन। इसका मतलब कि विज्ञान इन लोगों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रच बस गया है। उनके कुछ टॉर्च बीयरर्स, कुछ फ्लैग होल्डर्स हैं जो उस डिसिप्लिन के साथ जुड़े हैं। हम दर्शन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में अरस्तु, प्लेटो, डीवी, ये सारे नाम आने लगते हैं। इसका मतलब कि हर डिसिप्लिन के अपने कुछ मेजर थिंकर्स होते हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन से उस डिसिप्लिन की ग्रोथ में, उस डिसिप्लिन के निर्माण में, उस डिसिप्लिन को बड़ा करने में मदद मिली है। और जैसे हर डिसिप्लिन के मेजर थिंकर्स होते हैं, ऐसे ही हर डिसिप्लिन के मेजर फॉलोअर्स भी होते हैं। जो लोग विज्ञान को फॉलो करते हैं, कहते हैं जिनमें साइंटिफिक टेंपर डेवलप हो गया, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया, वो हर चीज को साइंस की दृष्टि से देखते हैं। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वे जीवन के हर घटना को सामाजिक आयाम से देखते हैं। जो दर्शन शास्त्री होते हैं, वे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। जो कलाकार होते हैं, आर्ट्स आर्टिशंस होते हैं, वो एस्थेटिक और कला की दृष्टि से उसको देखने लगते हैं। इसका मतलब हर डिसिप्लिन के अपने थिंकर्स भी होते हैं और हर डिसिप्लिन के अपने फॉलोअर्स भी होते हैं। आइए देखें कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोसेसेस कौन सी हैं जो ज्ञान को अर्जित करने में मदद करती है। मैं कुछ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। इफ यू सी द डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोसेसेस इन साइंस, विज्ञान में आप क्या देखते हैं? आप विज्ञान के शिक्षक होंगे, विज्ञान के विद्यार्थी होंगे,
जरा विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए कि विज्ञान जब एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, विज्ञान एक शास्त्र के रूप में जब निर्मित हुआ, आगे बढ़ा, तो वे कौन से तौर तरीके थे, वे कौन सी प्रोसेसेस थी जिन्होंने विज्ञान में नॉलेज एक्विजिशन में मदद की, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका आलोचनात्मक ऑब्जर्वेशन अवलोकन, फिर जो ऑब्जर्व किया उसकी इंक्वायरी, फिर जो कुछ घट रहा है उसके साथ जो वैज्ञानिक विचार हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनके संबंध स्थापित करना, उनके कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। साइंस में हम यही सब तो करते हैं, हम साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन में एंगेज होते हैं, साइंस में बहुत सारी नॉलेज एक्सपेरिमेंटेशन से भी जनरेट हुई है। ऐसा नहीं है कि साइंस केवल एक्सपेरिमेंटेशन है, बट यस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स और द मेजर प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द एक्वायरिंग नॉलेज। कई बार विज्ञान में होता है कि आपको विज्ञान का इतिहास पढ़ा रहे हैं, विज्ञान तो करके सीखने की विषय वस्तु है। बचपन में याद करिए, हमारी जो विज्ञान की किताब होती थी उसका टाइटल ही होता था विज्ञान आओ करके सीखें। सो देन साइंस में जितने भी नेचुरल या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हैं, चाहे वो फैक्ट्स के हों या आइडियाज के हों, उनका वैलिडेशन किया जाता है। बिना वैलिडेशन के साइंस किसी को स्वीकार नहीं करती। रिपीटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं, और अगर साइंटिफिक इंक्वायरी के कुछ परिणाम आए हैं उनको भी हम वैलिडेट करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी और वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और आइडियाज को भी समझने लगेंगे। तो अगर विज्ञान के आप पूरी प्रोसेस को देखें, तो मैं फिर से वापस जाता हूं, नेचुरल फिनोमिना का क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व किया उस पर इंक्वायरी डेवलप करना, इंक्वायरी डेवलप करते समय जो भी घटनाएं फिजिकल रूप से घट रही हैं या जो भौतिक रूप से घट रही हैं उनको साइंटिफिक आइडियाज के साथ लिंक करना, कोरिलेट करना, उसके बाद अगर जरूरत है तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करना। जो भी नेचुरल या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हुए हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन से हुए या ऑब्जर्वेशन से हुए, उनका वैलिडेशन करना और जो परिणाम आए उनको वैलिडेट करना और फिर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना। अब जरा इसको आप कंपेयर करिए सोशल साइंस से, क्या सोशल साइंस में सेम प्रोसेसेस होती हैं? नहीं। सामाजिक विज्ञान में क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, किसकी? समाज में क्या घट रहा है, समाज के नियम मान्यताएं क्या हैं, अंतः व्यक्तिक संबंध कैसे हैं, समाज में व्यक्तियों के समूहों के बीच संबंध कैसे हैं, समाज से जुड़े मुद्दे, समाज की गतिशीलता, समाज में आने वाले परिवर्तन, समाज में विभिन्नताएं, समाज में समावेशन, लैंगिक मुद्दे, जाति, वर्ग, संस्कृति, धर्म, इन सब के बारे में क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन सोशल साइंस में होता है, ये साइंस में नहीं होता। तो सोशल साइंस का फिर जो मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, वो एंटायरली डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर साइंस से। हम क्या करते हैं, हम सोशल इंक्वायरी में लोगों को एंगेज करते हैं, एक्सप्लोरेशन में एंगेज करते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडीज होती हैं, इस संस्कृति में ऐसा हो रहा है तो दूसरी संस्कृति में कैसा हो रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन समाज के देखे जाते हैं, एक वर्ग में ये घट रहा है, दूसरे वर्ग में समाज के उसी संस्कृति में उसी समाज में क्या घट रहा होगा। हम समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्नताओं को समझने की कोशिश करते हैं, हम व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति के कर्तव्यों की बात करते हैं, हम व्यक्ति के नागरिक जिम्मेदारियों को, उनके जो इथिकल प्रैक्टिसेस हैं, समाज के साथ जोड़ना है, पूरे विश्व के प्रति प्रेम विकसित करना है, तो हमारा पूरा जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम साइंस, राइट? तो साइंस में हम एक तरह से नॉलेज एक्वायर करते हैं, सोशल साइंस में हम एक अलग तरह से नॉलेज एक्वायर करते हैं। इसी तरह से जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं, तो हम मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू करते हैं? हम पहले बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों को गणितीय सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे रेशनल थिंकर्स बने, उनको इंडक्टन, इंडक्शन और डिडक्शन सिखाते हैं, उनमें लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो, बच्चे उस रीजनिंग के साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उनमें एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग की स्किल्स डेवलप हो, इसी तरह से तो आगे बढ़ते हैं गणित में। तो फिर गणित में ज्ञान के ग्रहण के तरीके, विज्ञान में ज्ञान के ग्रहण के तरीके, सामाजिक अध्ययनों में ज्ञान के ग्रहण के तरीके, ये थोड़े थोड़े डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो जाते हैं। और जब हम ये बात करें कि डिसिप्लिन कैसे निर्मित होता है,
विज्ञान का निर्माण कैसे हुआ, गणित का निर्माण कैसे हुआ, सामाजिक विज्ञान का निर्माण कैसे हुआ। तो एक डिसिप्लिन के निर्माण में ये सारी चीजें अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। भाषा पर आते हैं, भाषा की अपनी कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बल हम कम्युनिकेशन पर देते हैं। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पर को डेवलप करना हमारा मेन फोकस होता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इसको हम फोर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। चाहे वो कोई भी भाषा हम पढ़ा रहे हो, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, तमिल पढ़ा रहे हैं, तेलुगु पढ़ा रहे हैं, मलयालम पढ़ा रहे हैं, वट एवर लैंग्वेज वी आर टीचिंग और लर्निंग, आर फोकस इनिशियली इज दैट लेट चिल्ड्रन बी एबल टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज विच ही और शी इज लर्निंग, एंड वी ट्राई टू डेवलप द बेसिक स्किल्स अमंग द लर्नर्स। हम कहते हैं कि जब वो बोलना सीखेंगे, जब वो सुनना सीखेंगे, जब वो पढ़ना सीखेंगे, जब वो लिखना सीखेंगे, तब वो भाषा सीखेंगे। तो भाषा को सीखने के तरीके अलग हो जाते हैं। देन हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि जब वो भाषा में साहित्य पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर रीडिंग पोइट्री, दे आर रीडिंग सम एसे, दे आर रीडिंग सम यू नो ऑटोबायोग्राफी, देन हाउ दे शुड अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट लिटरेचर। वी ऑल्सो टेल देम हाउ टू अप्रिशिएट लिटरेचर एंड हाउ टू क्रिएट लिटरेचर। आप साहित्य को कैसे उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत करते हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे स्वयं साहित्य का सृजन करते हैं। यदि एक प्रकार के साहित्य हैं तो उनके बीच हम कैसे सहसंबंध स्थापित करते हैं, कैसे मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसका मतलब ये चारों उदाहरण ये स्पष्ट करते हैं कि भाषा, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, हर एक डिसिप्लिन में ज्ञानार्जन की अपनी विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं और ये विशिष्ट प्रक्रियाएं ही उस डिसिप्लिन की विषय वस्तु, उस डिसिप्लिन में अर्जित होने वाले ज्ञान, उस डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर के निर्माण में, संरचना के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। अब डिसिप्लिन के कई तरह के परिप्रेक्ष्यों पर बात की गई है, मैं तीन तरह के परिप्रेक्ष्यों पर बेसिकली आज बात करूंगा। द फर्स्ट परस्पेक्टिव इज फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव, द सेकेंड इज सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल परस्पेक्टिव, एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। सो व्हेन लेट अस टॉक अबाउट दीज थ्री परस्पेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिन। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव, दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों की जब हम बात कर रहे हैं, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर डिसिप्लिन की अपनी दर्शन होती है। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। सो वी ऑल हैव, देन व्हाट फिलॉसफी इज? इफ यू सी, फिलॉसफी हैज थ्री बेसिक डायमेंशन, ठीक है? एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। हर डिसिप्लिन की अपनी ऑन्टोलॉजी होती है। उस डिसिप्लिन का निर्माण किन सिद्धांतों पर हुआ है, कौन कौन सी विधियां हैं जो उस डिसिप्लिन में ज्ञानार्जन में काम आने वाली हैं, वो डिसिप्लिन कैसे समाज को, व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, उस डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, क्यों वो डिसिप्लिन एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर बना, ये भी दर्शन तय करता है। क्योंकि यदि आप प्रारंभिक विषयों को देखेंगे, इनिशियल डिसिप्लिन को देखेंगे, तो ये इतना कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन था ही नहीं। पुराना आप उठाकर देखिए तो आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा, फिलॉसफी मिलेगी। फिर आप फिलॉसफी में आप ढूंढेंगे तो आपको फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हो गई, एजुकेशन अलग हो गया, साइंस अलग हो गई, सोशल साइंसेज अलग हो गए। ऑल हैव जनरेटेड फ्रॉम फिलॉसफी, राइट? एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स फिलॉसफी एंड इट्स फिलोसॉफिकल ओरिजिन। And how it is decided by the type of the knowledge it deals with and the processes involved in acquiring those knowledge. प्रत्येक शास्त्र में किस प्रकार का ज्ञान समाहित है, किस प्रकार के ज्ञान क्षेत्रों से वो शास्त्र डील करता है, और उस शास्त्र में ज्ञानार्जन की प्रक्रियाएं क्या हैं, यह निर्धारित करती हैं कि उस विषय का फिलोसफिकल परस्पेक्टिव क्या होगा। तो अब जब कल आपको, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जरा कहीं सर्च करिए व्हाट इज फिलोसफी ऑफ साइंस,
हाउ फिलोसफी ऑफ साइंस डिसाइड्स, हाउ फिलोसफी ऑफ साइंस डिसाइड्स द नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, हाउ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ साइंस डिसाइड्स. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. सो नाउ दीज आर द मेथड्स एंड प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एक्वायरिंग नॉलेज इन साइंस. यू व्हेन यू आर प्रपोजिंग एनी कॉन्सेप्ट, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एनी कॉन्सेप्ट टू योर लर्नर्स, देन यू डिसाइड दैट ओके दिस कॉन्सेप्ट्स लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन, दिस कॉन्सेप्ट्स लर्नर कैन अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटेशन. सो इट इज नॉट कंटेंट स्पेसिफिक, प्रोसेसेस आर डिसिप्लिन स्पेसिफिक which are being used to understand the concept of that discipline, the concepts under that discipline. उस शास्त्र के अंदर जो विभिन्न फैक्ट्स हैं, थियरीज हैं, बहुत सारे संप्रत्यय हैं, उनको समझने के लिए उस डिसिप्लिन की प्रोसेसेस उपयोगी होती हैं. जैसे गणित के बारे में हम अक्सर कह देते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल नॉलेज, कि गणित में बहुत सारा ज्ञान हम इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेसेस से एक्वायर कर सकते हैं. इसका मतलब इंडक्शन एंड डिडक्शन हैव सम फिलोसॉफिकल रूट्स इन मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स वी ऑफन यूज सच प्रोसेसेस, राइट. तो हर डिसिप्लिन के अपने फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, फिर हर डिसिप्लिन के अपने सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं. हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षा का निर्माण समाज ने किया ताकि वो अपने अनुरूप नागरिकों का विकास कर सके, और उसके लिए ही फिर शिक्षालय बने, स्कूल्स मिले. तो हर समाज के अपने नियम, अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, संस्कृतियां होती हैं, जीवन जीने के तरीके होते हैं, और शिक्षा उन सब से जुड़ी होती है, उनसे जुदा नहीं हो सकती. मैं इसका एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दूंगा, तर्क और प्रश्न ज्ञानार्जन के तरीके हैं. परंतु आप इतिहास उठाकर देखिए कि जब सुकरात ने अपने शिष्यों को प्रश्न करना सिखाया और तर्क करना सिखाया, तो उस समय के समाज ने सुकरात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समाज में, वहां के राज्य में, वहां की जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वहां क्वेश्चनिंग वॉज नॉट अलाउड. यू कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द किंग और द Even in certain religions, you can still found that if there is something in a religious text, you cannot question it. You have to accept it without any question. And there are religions where you can question it to each and every text, each and every line of that text. So it means, वो ही तय करता है कि शिक्षा कैसी दी जाएगी. प्रश्नोपनिषद उठाकर देखिए, वहां प्रश्न करना सिखाया है. भारतीय परंपरा में आप श्वेत केतु उद्वालक संपाद ले लीजिए, या यम नचिकेता संवाद ले लीजिए, या बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे जहां भारतीय परंपरा में प्रश्न करना सिखाया गया. क्योंकि भारतीय परंपरा में अध्यापक प्रश्न नहीं करता था, प्रश्न विद्यार्थी करता था, अध्यापक उन प्रश्नों के समाधान में विद्यार्थी की मदद करता था, ठीक. तो फिर उस प्रकार का ज्ञान निर्मित हुआ. जहां प्रश्न की अनुमति नहीं है, वहां जो लिखा है उसी को याद करना है, उसी को रटना है, तो उस तरह का ज्ञान निर्मित हुआ. अर्थात शिक्षा कैसी दी जाएगी, ये समाज के नियमों, मान्यताओं, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों से निर्धारित होता है. और ये सब एक एकेडमिक डिसिप्लिन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. वर्तमान में भी आप देखिए कि किसी डिसिप्लिन में क्या होगा. मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक यहां ले रहा हूं, चूंकि एकेडमिक डिसिप्लिन एकेडमिक डिस्कशन है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस तरह के मुद्दे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं. सो इट हैज प्योर एकेडमिक यू नो relevance. I'm not criticizing to any government or any policy, but you just take the example of history that sometime a king who has remained in India only for 4 or 8 years, you may find 2 or 3 chapters for on him, on his father, on his son, everything. And sometimes you found if there is a great fighter or a king in that time, you will not find any mention, or if you find any mention, it may be in one paragraph. Sometimes you notice that in certain states with the change of the government, some particular chapters are being removed or shrinked and some particular chapters are being elaborated. Why? It is the politics which decide what should be the nature of the discipline. भारत में इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई, शिक्षा के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुई, अन्य विषयों के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुई.
विज्ञान में भी हम कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाएंगे? हम विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे तो कहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे? क्या विज्ञान केवल गैलीलियो और फिर उसके बाद न्यूटन, आइंस्टीन, एडिसन, इन्हीं से शुरू हुआ? बच्चों से पूछकर देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, परंपरागत वैज्ञानिकों के नाम शायद उन्हें नहीं पता, क्योंकि हमारी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ने कभी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन साइंस और व्हाट काइंड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव बीन टेकन प्लेस एट दैट टाइम, बट दे डिडंट गेट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन आवर करिकुलम ड्यू टू सर्टेन सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, राइट? सो ऑलवेज एकेडमिक डिसिप्लिन इज बीइंग फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड द सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल एज द कल्चरल पर्सपेक्टिव्स. वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर रिपब्लिक, वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वेलिटी. तो जब इन सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं, सामाजिक समरसता है, समानता है, समता है, तो हमारे डिसिप्लिन में फिर नॉलेज भी उसी तरह से जाती है, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं. तो फिर हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं. इसीलिए हर डिसिप्लिन के निर्माण में सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव भी अपनी भूमिका निभाते हैं. इसका मैं उदाहरण दे चुका हूं कि एकेडमिक डिसिप्लिन कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट द सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बेसिकली इन्फ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. एकेडमिक डिसिप्लिन के निर्माण में समय के साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बड़ी भूमिका निभाती हैं, और जब एक आइडियोलॉजी लंबे समय तक किसी व्यवस्था का अंग रह जाती है तो वह उस देश की पूरी शिक्षा को अपने अनुरूप रंग देती है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं राज्यों में भी और बड़े स्तरों पर भी. आप सब शिक्षा के विद्यार्थी हैं, इसको इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करिए कि एजुकेशन इज नॉट न्यूट्रल, इट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, एंड सो द डिसिप्लिन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन्स. देन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हर डिसिप्लिन का एक इतिहास होता है. विज्ञान का अपना इतिहास है, साहित्य का अपना इतिहास है, इतिहास का अपना इतिहास, दर्शन का अपना इतिहास है, भूगोल का अपना इतिहास है, गणित का अपना इतिहास है. हर डिसिप्लिन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, लेकिन हम या तो उसको पढ़ते नहीं या फिर कई बार पूरे डिसिप्लिन को हिस्ट्री पढ़ा देते. जैसे मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि भारतीय विद्यालयों में जब हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम विज्ञान पढ़ाते ही नहीं, हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ाते रहते हैं. किसने किसकी खोज कब की, कौन सी सन में की, कौन से देश का रहने वाला था. बच्चा हमारा इसी में डूबा रहता है कि उसकी सन न गलत हो जाए, कि किस वर्ष में कौन सी खोज हुई, या वो खोजकर्ता कौन से देश का रहने वाला है. सारा फोकस वहां हो जाता है, किस देश का रहने वाला था और किस वर्ष में वो खोज हुई. और हम ये भूल जाते हैं कि उस खोज की साइंटिफिक डायमेंशंस क्या थी, कौन सी प्रोसेस स्किल्स उसमें इन्वॉल्व हुई, किस तरह से वो नॉलेज इमर्ज हुई. तो ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये भी निर्धारित करती है और ये स्पष्ट करती है कि हर डिसिप्लिन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, और ये उसकी जो जर्नी है वो उसके इंसेप्शन से शुरू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू द प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रैक्टिसेस, इन्हीं को हम हिस्ट्री कहते हैं. तो वो विषय कैसे प्रारंभ हुआ, जैसे प्रारंभ में हम कहते दर्शन था, फिर दर्शन में दो धाराएं बनी, एक तर्क की बनी और एक प्रयोग की बनी. प्रयोग की धारा विज्ञान की तरफ मुड़ गई और तर्क की धारा सामाजिक अध्ययनों की तरफ मुड़ गई, डिसिप्लिन हुआ. फिर जब प्रयोग होने लगे तो प्रयोग दो तरह से होते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो प्रयोग करते थे मटेरियल साइंस में, कुछ ऐसे लोग प्रयोग थे जो प्रयोग करते थे जीवन पर. तो जो मटेरियल साइंस पर प्रयोग करने लगे उन्होंने फिजिकल साइंसेस की धारा बना ली, और जो लाइफ पर प्रयोग करने लगे उन्होंने लाइफ साइंसेस की धारा बना ली. फिर जब लाइफ साइंसेस की धारा बनी तो फिर जब लाइफ साइंसेस में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो देयर वर सम पीपल हु वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, एंड देयर वर सम पीपल हु वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द प्लांट लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन लाइफ. सो दोज हु वर वर्किंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन लाइफ और प्लांट्स इन लाइफ, दे मूव टुवर्ड्स अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड प्लांट साइंसेस और बॉटनी. And those who started working on the life of animals and life of human beings, they moved towards zoology. So again, उससे दो discipline बन गए. तो इसी तरह से धीरे-धीरे एक discipline से नया discipline जन्म लेता है. जैसे-जैसे ज्ञान के क्षेत्र का विकास होता है,
ज्ञान का अपना कोई डिसिप्लिन नहीं होता, नॉलेज डोंट हैव एनी डिसिप्लिन, एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स स्पेसिफिक नॉलेज डोमेन। तो ज्ञान का जब प्रसार होता है तो ज्ञान को समझने के तौर तरीके होते हैं, हम उसको जितना बढ़ाते चले जाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली बाइफर्केशन धाराएं बढ़ती चली जाती हैं, और जब ये धाराएं बढ़ती जाती हैं तब नए डिसिप्लिन्स इमर्ज होते हैं। तो इस तरह से इतिहास भी एकेडमिक डिसिप्लिन के निर्माण में, शैक्षणिक शास्त्रों के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। और अगर आप किसी भी डिसिप्लिन को ध्यान से देखें, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज मैथमेटिक्स, वेदर इट इज लिटरेचर, वेदर इट इज सोशल साइंसेस और एनी डिसिप्लिन, राइट, सो यू विल फाइंड दैट एवरी डिसिप्लिन हैज इवॉल्व्ड इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आप उन अध्ययनों को देखेंगे कि कैसे कैसे वे अध्ययन आगे बढ़ रहे हैं। आप विज्ञान में प्रारंभ से खोजें ढूंढना शुरू करिए, जब हम विज्ञान की बात करते हैं कहां प्रश्न उठता है, जीवन क्या है, दर्शन में यह प्रश्न था, इसके जिन्होंने तर्क के आधार पर उत्तर देने प्रारंभ किए वे दार्शनिक हो गए और सोशल साइंसेस की तरफ चले गए, और जिन्होंने जीवन क्या है, जीवन का निर्माण कैसे होता है, कैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, डार्विन का सिद्धांत आ गया, सारी चीजें आ गई, वो सब कहां चले गए, वो सब क्या डार्विन साइंटिस्ट था, नहीं डार्विन तो सोशल साइंटिस्ट था, डार्विन तो विज्ञानी नहीं था, डार्विन को हम साइंटिस्ट नहीं कहते, डार्विन की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, उसकी किताब पढ़िए, तो वहां आपको नहीं लगेगा कि डार्विन वाज अ साइंटिस्ट, बट द वे डार्विन एनालाइज द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इट बिकम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड लेटर ऑन साइंस इमर्ज आउट ऑफ इट, राइट। सो एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन इट्स इवोल्यूशन, ठीक। और इसीलिए जब हम डिसिप्लिन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो एज ए टीचर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल उसकी हिस्ट्री की बात न करने लगे, हम ये भी बात करें कि किन परिप्रेक्ष्यों में, किस कंटेक्स्ट में वो डिसिप्लिन इस तरह से इमर्ज हुआ, वो कौन से सोशो कल्चरल, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स वो कौन से थे जिनकी वजह से वो डिसिप्लिन इस तरह से इमर्ज हुआ। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो यदि हम केवल ये पढ़ाएंगे कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम था, वो किस सन में आई, मेंडल ने अपने नियम कब दिए, मेंडल के नियमों के नाम बताइए, टेलीविजन का खोज किसने किया, कब किया, एक्सरे की खोज कब हुई, ये कब हुई, कहां हुई, से हमें आगे बढ़ना होगा। ये हिस्ट्री पढ़ाने का विद्यार्थियों को मतलब नहीं है, एक्सरे की खोज कैसे हुई, व्हाट वाज द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन दैट, वो पढ़ाने की जरूरत है। व्हाट वर द बेसिक प्रोसेस स्किल्स व्हिच वर इन्वॉल्वड व्हेन न्यूटन इमर्ज इट्स विद इट्स लॉज ऑफ मोशन, कि न्यूटन की गति के नियम जब बने तो वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को लिखा। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि न्यूटन के गति के नियम जब लिखे गए और न्यूटन जब इनको लिख रहे थे तो न्यूटन ने इसको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा था, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से शुरू में देखा नहीं था। और उन्होंने उन्होंने कहीं एक जगह लिखा भी है कि मेरे जो इनिशियल राइटिंग्स ऑन द लॉज ऑफ मोशन थी देवर मैथमेटिकल मेस, कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी मेरी नॉलेज, बहुत मेस था, बट धीरे धीरे मेरे अंदर जो दिमाग में जो आइडियाज आ रहे थे वो सारे आइडियाज में कलेक्ट करता गया और फिर उनको मैंने एक फ्रेम दिया, एक स्ट्रक्चर दिया। सो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट डिसिप्लिन और दैट डिसिप्लिनरी नॉलेज हैज इमर्ज्ड व्हेन वी आर टीचिंग अबाउट द हिस्ट्री। सो वी शुड नॉट टीच द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स, रदर वी शुड टीच हाउ दैट डिसिप्लिन हैज इमर्ज्ड।